हमने उन्हें इस तरह की गाइडलाइन दी है कि यदि आपको कुल इतनी क्वांटिटी वैक्सीन की मिलती है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको किस प्रकार की एक्टिव और पैसिव कोल्ड चेन इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, ये आकलन अब सरकारें अपने स्तर पर कर सकती हैं बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस विच हैव बीन इशूड। इसी प्रकार से मैनेजमेंट ऑफ कोल्ड चेन एट द लास्ट कोल्ड चेन पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां से वैक्सीनेशन सेशन साइट पे वायल्स ट्रांसपोर्ट की जाएंगी वैक्सीन की, तो वो जो अंतिम बिंदु है कोल्ड चेन का वहां किस तरह की तैयारी होनी चाहिए ये, और सेशन साइट पर जहां टीकाकरण किया जाना है वहां किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कोल्ड चेन के हिसाब से, इसकी गाइडलाइंस भी हमने राज्यों के साथ साझा की हैं। हम 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स का उपयोग करेंगे, 240 वॉक इन कूलर्स का उपयोग करेंगे, 70 वॉक इन फ्रीजर्स का उपयोग करेंगे, 45,000 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स, 41,000 डीप फ्रीजर्स और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर्स का उपयोग करेंगे। ये सारा इक्विपमेंट ऑलरेडी राज्यों के पास पहुंच गया है, इसके अलावा अन्य इक्विपमेंट भी उनको सप्लाई किया जा रहा है।